ओके, वैसे मैं बताऊं तो ऐसा कोई रूल नहीं है, और तू बिल्कुल भी सैड मत फील किया कर। तू अपने आप पे मेहनत कर, ज्यादा बोलने की और बात करने की और पूछने की जरूरत ही नहीं। शहनाज़ पलक ने कहा है कि सलमान खान का एक रोल है कि सेट पे सारी वुमन के दिल जो है वो कवर होना चाहिए। ओके, वैसे मैं बताऊं तो ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं तो ट्रेलर लॉन्च में भी मैंने अच्छे सेक्सी कपड़े डाले थे, क्लीवेज था, मुझे ऐसी कभी शहनाज़ जो भी लोग सलमान खान काम करते हैं सबके लिए स्पेशल एक्सपीरियंस होता है। सलमान के घर से आया हुआ खाना जो उनकी मम्मी स्पेशली पैक करवाती है और बहुत एलेबरेट होता है, हमने वो खाना खाया है, देखा है। आपने उनके खाने पर जिस तरह सलमान डिस्क्राइब करते हैं एक डिश के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं सच्ची बोलूं, उनका कौन सा वो बस कौन सी बींग हंग्री, यस ओ माय गॉड, मेरा मन करे इनको घर ले जाऊं। इतना यम फूड होता है ना वहाँ पे। सबसे ज़्यादा सच्ची बोलूँ, मैंने लर्निंग एक्सपीरियंस लिया है, और खाना खाने के लिए मैं जाती थी। अच्छा, मैं घर से खाना नहीं लेकर जाती थी, मुझे था कि नहीं, मैं लंच उधर ही करूँगी, मैं ब्रेकफास्ट भी उधर करूँगी, और मैं चाय के साथ सैंडविच भी उधर ही खाऊँगी, क्योंकि इतना यम फूड अलग लेवल का। आप जो फिटनेस की तरफ गई थी तभी आपने कहा था कि मुझे मोटिवेट सलमान ने ही किया था, लेकिन इस बार काम करते वक्त सलमान खुद आपके साथ थे। कितनी टिप्स वगैरह पर्सनली आप ले पाएंगे सलमान से फिटनेस के रिलेटेड? हालांकि आप अभी आप बहुत फिट हैं, जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी इस रिलेटेड इतनी बातचीत हो गया। फिटनेस के ऊपर अगर सलमान सर से टिप्स लेने हैं तो सलमान सर को सिर्फ देखो जिम करते, तो वो तुम्हें खुद खुद ही समझ आएगा कि देखो उनका जैसे वो जिम करते कितनी मेहनत करते हैं, तो वहाँ से ही तुम्हें समझ आ जाता है, बोलने की और बात करने की और पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। सलमान हर बार आपको बोलते कि शहनाज़ मूव करो, तो आप कौन सी डायरेक्शन में मूव हो गई? मैं मुझे हमेशा सर यही कहते हैं कि तेरे तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू बहुत आगे जाएगी लाइफ में, रुकना मत, और तू बिल्कुल भी सैड मत फील किया कर, तू अपने आप पे मेहनत कर। सो मैं ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ, एंड आई विल ऑलवेज यस। हाँ, फैंस के लिए यही बोलूँगी कि फैंस मुझे ठंडी हवा देना हमेशा, मुझे गर्म हवा बिल्कुल मत देना, मुझे गर्म हवा आए भी तो रोक लेना बस। ईद आई लव के ईद के बस बाबा सिद्दीकी के लिए रेडी है कल ड्रेस मेरी रात को। और एक्चुअली ईद के दिन क्या करेंगी आप, मतलब किस तरह सेलिब्रेट करेंगी ईद आप? बस यही क्या होना होता है, तैयार होना होता है, जाके खाना खाना होता है, अच्छा, बस यही होता है ईद के, बस तैयार होना होता है, लड़कियों को तो तैयार होने का शौक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, आई लव यू।